डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो आपका लेसन यानी जो तीसरा लेसन है दी गंगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ, इसके विषय में चर्चा हो रहा है, इसी के विषय में बताया जा रहा है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी का लगाव भारत और भारतीयों के प्रेम के प्रति उजागर होता है, गंगा के प्रति उजागर होता है, इसमें प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है। जवाहरलाल जी खुद ही बताते हैं कि उनका भारत और भारतीयों के प्रति, गंगा के प्रति, यहाँ के लोगों प्रति कितना लगाव। अब हम लोग सीधे अगले पैराग्राफ को देखते हैं, यानी जितना आप लोग पढ़े हो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो। जवाहरलाल जी कहते हैं, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, माई डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी एक मुट्ठी भर राख थ्रोन इन द गंगा, वो गंगा जी में यानी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए एट इलाहाबाद। लेकिन वो किस जगह है? इलाहाबाद में, यानी इलाहाबाद शहर से जहां से गंगा पास हो रही है उस जगह पर, यानी इलाहाबाद में जहां गंगा पास हो रही है, वहां उस गंगा में एक मुट्ठी राख उनकी छोड़ दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये किसी धार्मिक महत्व के कारण नहीं है, यानी इसमें इनका या जवाहरलाल जी कहते हैं इसमें हमारा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मैं धर्म के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई धार्मिक लगाव है कि मैं चाहता हूं कि मेरी एक मुट्ठी भर राख गंगा में छोड़ दिया। नो, इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। धार्मिक महत्व के कारण वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा में छोड़ दिया जाए। देखो फिर देखे, माई एसेस टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी गंगा में जो मेरी एक मुट्ठी राख छोड़नी है या जो मैं कह रहा छोड़ दिया जाए उसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। तो है क्या चीज? सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक इससे मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरे अंदर कोई धार्मिक भावना यानी इस तरीके की कोई सेंटिमेंट नहीं है, धार्मिक भावना से ग्रसित मैं नहीं हूं। इन द मैटर, इस मामले में कोई धार्मिक भावना की बात नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, मैं गंगा से अटैच रहा एंड द यमुना, यानी गंगा और यमुना से अटैच रहा, जुड़ा रहा, रिवर्स इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में इन नदियों से, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन से ही गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा रहा, मेरा जुड़ाव बना रहा इलाहाबाद में। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ग्रोन ओल्डर होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, तो ये लगाव, ये जुड़ाव भी बढ़ता चला गया। बचपन से जुड़ा रहा और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरा जुड़ाव भी बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने तो गंगा के बदलते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मूड्स को देखा है, रूपों को देखा है, एज द सीजन चेंज, यानी मौसम बदलने के साथ साथ गंगा के बदलते हुए रूपों को मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, और अक्सर इतिहास, पौराणिक गाथाएं, परंपराएं, सांग, गीत, कहानियां, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, वो गंगा से जुड़ी रही, यानी गंगा से हमारी तमाम पौराणिक गाथाएं, इतिहास, पुरानी कथाएं, परंपराएं, मैं सोचता हूं कि वो गंगा से जुड़ी रही, अटैच टू देम, थ्रू द लॉन्ग एज, युग युगांतर से जुड़ी रही, युग युग से जुड़ी रही, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उसके बहते हुए हिस्से का यानी बहते हुए जल का, जो गंगा का बहाव है, बहता हुआ जो जल है, का एक अंग बन गई, एक भाग बन गई है, यानी हमारी परंपराएं मानो गंगा के उस बहते हुए धारा की, बहते हुए जल की एक अंग बन गई हो,
एक पार्ट बन गई हूं। इसी क्रम में हम लोग तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, यानी द गंगा यानी गंगा नदी स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया विशेष रूप से भारत की ही नदी है, भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ देयर पीपुल, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, यहां के निवासियों की प्रिय है गंगा, यहां के निवासी बहुत ही प्रेम करते हैं गंगा को। राउंड विच ऑफ द इंटरवाइंड हर रेसियल रेसियल मेमोरीज, और जिसकी चारों तरफ उसकी एक वंशीय वंशागत स्मृतियां, रेसियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, विजय के गीत, हर विक्टोरीज, विजय गीत, विजय एंड हर डिफीट, और पराजय, सब गंगा से जुड़ी हुई है। यानी गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है, यहां के लोगों के लिए बहुत प्रिय है, जिसके चारों तरफ हमारी युगांतर से परिवर्तनशील जो हमारी आशाएं, हमारे विचार, हमारे भय, हमारे विजय, हमारे पराजय, ये सब कुछ वंशी स्मृतियां, जातिगत स्मृतियां, सब गंगा से जुड़ी रही है। इस प्रकार से कहा गया है, सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर, अर्थात गंगा एक प्रकार से हमारे युगांतर जो हमारी पुरानी सभ्यता है, हमारी जो प्रतीक है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है, गंगा उसकी एक प्रतीक रही है। तो सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया लॉन्ग एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी गंगा हमारे युग युगांतर संस्कृत हमारी सभ्यता की एक पहचान बनी हुई है, एक प्रतीक है, प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग, यानी एवर चेंजिंग हमेशा से परिवर्तनशील, एवर फ्लोइंग और हमेशा बहती हुई प्रवाहमान गंगा, एंड एट एवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा की स्थिति वही बनी हुई है, समान रूप से गंगा है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, गंगा मुझे वो जो हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं उसकी याद दिलाती है, एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय केवल उन चोटियों की याद नहीं दिलाती हैं जो बर्फ से ढकी हुई हैं, बल्कि उन गहरी घाटियों की भी याद दिलाती है। गंगा हमें उन गहरी घाटी की भी याद दिलाती है, विच आई हैव बीन लव्ड सो मच, जिसे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा प्रेम किया हूं, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और वो समृद्धशाली और विशाल मैदान, नीचे जो विशाल और समृद्धशाली उपजाऊ मैदान है, वेयर माई लाइफ, जहां मेरा जीवन एंड वर्क और मेरे कार्य हैव बीन कास्ट, यानी मेरे जीवन और मेरे कार्य को एक साकार रूप प्राप्त हुआ है, जहां मेरा जीवन और मेरा कार्य ढाला गया है, ऐसे क्षेत्र ऐसे मैदान की याद गंगा दिलाती है। गंगा से इन तमाम चीजों के विषय में बहुत कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, और गंगा का नाम लेने से इस सब चीजों का एक अक्ष, एक विचारधारा दिमाग में बन जाता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये बताया गया इस पैराग्राफ में कि गंगा विशेष रूप से भारत की ही नदी है, भारत के लोगों के लिए बहुत प्रिय है, हमारी स्मृतियां, हमारी आशाएं, हमारे भय, हमारे विजय, हमारे पराजय, सब कुछ गंगा से सदियों से युग युगांतर से जुड़े रहे हैं, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति गंगा से जुड़ी रही है। वो बर्फ से ढकी हुई चोटियां
वो दूर तक फैला हुआ विशाल मैदान, वो सब मुझे, जहां मेरा जीवन एक साकार रूप में ढाला गया है, ये सब मुझे गंगा के द्वारा याद दिलाया जाता है। और इस प्रकार अब हम लोग इसी क्रम में चौथे पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा चौथा पैराग्राफ है, इसे हम लोग देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हम लोग चौथा पैराग्राफ देखेंगे कि चौथे पैराग्राफ में क्या बैठ किया गया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी सुबह के सूर्य के प्रकाश में, सुबह सुबह जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, ऐसे सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती हुई, नाचती हुई मानो गंगा आगे की तरफ बढ़ रही है। अर्थात सूर्य के प्रकाश में गंगा जैसे मुस्कुराती हुई, नाचती हुई आगे की ओर बढ़ रही हो, नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एट द इवनिंग शैडो फॉल्स, और जैसे जैसे शाम होता है गंगा अंधकार में उदास और पूर्ण रहस्य से भर जाती है। यानी सुबह में मुस्कुराती और नाचती हुई और शाम में उदास, अंधकार और उदास और पूर्ण रहस्य से भरी हुई गंगा दिखाई देती है। एट द इवनिंग शैडो फॉल्स, यानी जैसे सायंकाल की परछाई फैलती है, ठीक ऐसे गंगा के रूप दिखाई पड़ते हैं। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर के समय में, जाड़े के समय में एक सकरी मंद और शानदार धारा से युक्त गंगा दिखाई देती है। अर्थात विंटर सीजन में, जाड़े के समय में ये गंगा बहुत सकरी हो जाती है, धारा मंद हो जाती है, और लेकिन शानदार तरीके से दिखाई पड़ती है। एंड ए वास्ट रोरिंग, वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून सीजन में, बरसात के सीजन में यह बिल्कुल विशाल रूप से दहाड़ती है। मानसून सीजन में तो मानो गर्जना करती है गंगा। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एट द सी, एक विशाल वक्षस्थल, यानी एक विशाल वक्ष मानो जैसे दिखाई पड़ती है कि समुद्र की तरह इसके अंदर शक्ति आ गई हो, समुद्र की तरह दिखाई देने लगती है। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और इसके अंदर कुछ समुद्र की तरह जैसे विनाशकारी शक्ति भी आ जाती है। गंगा के अंदर विनाशकारी शक्ति उस मानसून सीजन में आ जाती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक रही है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत की जो अतीत स्मृति है उसकी यादगार रही है। यानी हमारे लिए एक सिंबल रही, हमारे यादगार की एक सिंबल रही है, और हमारे प्राचीन, हमारे अतीत की एक स्मृति चिन्ह रही है गंगा। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से जुड़ी हुई है, वर्तमान से बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के विशाल सागर की ओर बढ़ रही है। यानी वर्तमान से जुड़ी हुई गंगा उस भविष्य के विशाल सागर की ओर बहती जा रही है। इस प्रकार इसमें बताया गया कि गंगा के रूप समय और सीजन के साथ साथ बदलते गए। सुबह के समय गंगा चमकदार तरीके से डांसिंग, मुस्कुराती हुई मानो जैसे आगे बढ़ रही हो, लेकिन जैसे जैसे सायंकाल की परछाई फैलती है, गंगा उदासी और अंधेरे से भर जाती है। विंटर सीजन में गंगा एक स्लो स्ट्रीम में शानदार तरीके से बहती है, लेकिन जब
मानसून सीजन आता है तो मानो समुद्र की तरह दहाड़ने लगती है। इसके अंदर कुछ समुद्र की तरह विनाशकारी शक्ति भी आ जाती है। गंगा हमारे अतीत की एक प्रतीक रही है, एक सिंबल रही है। वर्तमान से जुड़ी हुई गंगा, वर्तमान से जुड़ी हुई गंगा अतीत के विशाल सागर की ओर बहती जा रही है। और इस प्रकार स्टूडेंट इसमें गंगा के समय के साथ साथ जो परिवर्तित रूप हैं इसको दिखाया गया है। और स्टूडेंट इसके बाद फिर आगे क्या लिखा गया है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।